भारत देश का एकमात्र हिंगलाज मंदिर परासिया के अंबाड़ा क्षेत्र में है। मान्यता है कि मंदिर में माता के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बताया जाता है यहाँ सभी धर्मों के लोग माता के दर्शन करने आते हैं। हिंगलाज भवानी का एक मंदिर देश के परासिया में है और दूसरा पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है, जहाँ हिंदुओं के अलावा मुस्लिम भी दर्शन करने पहुंचते हैं। बताया जाता है कि 112 वर्ष पूर्व 1907 में अंग्रेज शासन के दौरान मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया गया था, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मंदिर को तोड़ा नहीं जा सका। कहा जाता है मंदिर हटाने का आदेश देने वाले अंग्रेज की खदान में धंसने से मौत हो गई थी। उस रात वहां तेज विस्फोट हुआ और आग की लपटें निकली और हिंगलाज माता की मूर्ति अपने आप उठकर जंगलों में आकर विराजमान हो गई। कुछ समय बाद लोगों को जंगलों में इमली के पेड़ के नीचे हिंगलाज माता की मूर्ति मिली और फिर यहाँ उनका मंदिर बनाया गया। मोहन कालरी अम्बावा, यहाँ माता रानी जो है वो लगभग 100 वर्षों से ऊपर यहाँ माता रानी का निवास है। एक शक्तिपीठ पाकिस्तान में है और दूसरा शक्तिपीठ हमारे यहाँ पर। 100 वर्षों से ज़्यादा हो चुके हैं माता रानी का यहाँ निवास है और भक्तों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती माता जी। हिंगलाज मंदिर की ख्याति दूर दूर तक है। माता रानी के प्रति लोगों की आस्था इस कदर है कि नवरात्र में हर दिन 10,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। मान्यता है कि माता का यह मंदिर देवी शक्तिपीठ के नाम से ख्यात है। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के चक्र से कटकर यहाँ पर देवी सती का सिर गिरा था, इसीलिए यह स्थान चमत्कारी और दिव्य माना जाता है। हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में जिक्र है कि जो एक बार माता हिंगलाज के दर्शन कर लेता है उसे पूर्व जन्म के कर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता। इस वर्ष 2160 मनोकामना कलशों की ज्योति से मंदिर दमक रहा है। हजारों की तादाद में मनोकामना कलश से महाआरती की गई है। मूल रूप से नवरात्रि का पर्व जो चल रहा है और हिंगलाज माता मंदिर छिंदवाड़ा जिले में एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थान है, जहां पर बहुतायत में बहुत संख्या में महिलाओं का, बुजुर्गों का और परिवार के साथ लोगों का निरंतर आवागमन होता है। नवरात्रि में यह संख्या निरंतर बढ़ती ही जाती है। इस वर्ष चूँकि कोरोना की परिस्थितियों में धार्मिक स्थानों पर आवश्यक एहतियात बरते जाएं और सुरक्षा व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे, इस बात का जायजा लेने के लिए आज यहां पर आए हैं और यहां पर मंदिर प्रबंधन समिति के साथ मंदिर का पूरा भ्रमण भी किया गया। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।